नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति त्यागी। खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। ब्रिटेन में 18 और 19 अप्रैल को होने वाले कॉमनवेल्थ हाफ गवर्नमेंट के शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होने जाएंगे। मोदी 17 अप्रैल को लंदन पहुंचेंगे और यहां कई द्विपक्षीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनके दो प्रमुख पब्लिक कार्यक्रम भी हैं, एक साइंस म्यूजियम में और दूसरा क्रिस इंस्टीट्यूट में। इन दोनों जगहों की गेस्ट लिस्ट पर भारतीय विदेश मंत्रालय की पहली निगाह है। मंत्रालय इस बात पर विशेष गौर कर रहा है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में कहीं 9000 करोड़ का लोन न चुका पाने का आरोपी विजय माल्या शामिल न हो जाए। यूपी में कई चुनौतियों से घिरी सूबे की योगी सरकार को नई दिशा दिखाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज लखनऊ दौरे पर हैं। अमित शाह आज दोपहर 12:30 बजे पहुंचे। शाह प्रदेश संगठन और सरकार को लेकर मंथन किया। शाह ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श भी किया। वहीं बताया जा रहा है कि आज ही रात दिल्ली के लिए वापसी करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में मंगलवार देर रात से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जानकारी के मुताबिक कुलगाम के खुड़वानी इलाके में दो आतंकी छिपे हुए हैं और ये आतंकी लगातार सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा बलों को मंगलवार की देर रात सूचना मिली कि खुड़वानी इलाके में दो आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान खुद को घिरता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में सुरक्षा बलों की ओर से भी फायरिंग शुरू हो गई। गौरतलब है कि इस साल में जम्मू कश्मीर में सेना और अर्धसैनिक बलों के ठिकानों पर कई आतंकी हमले हो चुके हैं। पिछले महीने आतंकियों ने जम्मू में सुजवाम आर्मी कैंप, श्रीनगर के सीआरपीएफ कैंप और कुपवाड़ा के अवंतीपुरा के सीआरपी कैंप पर हमला बोला था। चंडीगढ़ में आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कुछ फैसले सरकार को लेने हैं, जिसमें लगभग 2.5 दर्जन बिंदु हैं, उन पर चर्चा होगी और इनमें कई बिंदुओं पर मंजूरी भी मिल सकती है। इनमें दो लोगों के पेंशन की राशि की वसूली के नियमों में छूट प्रदान हो सकती है। साथ ही हरियाणा सरकार राज्य में बसें किराए पर लेकर चलाने पर विचार किया जा सकता है। बसों का किराया प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार की इस नीति पर मुहर लगेगी। एचएसएससी भर्ती घोटाले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। इसी कड़ी में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर सब्जी की तरह नौकरियों को बोली लगाकर बेचने के आरोप लगाए हैं। दीपेंद्र हुड्डा के आरोपों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को ही निशाने पर लिया। विज ने कांग्रेसियों के शर्म आने वाले कंपोनेंट को घिसा हुआ करार दिया है। विज ने सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि विभाग में धांधली की खबर मिलते ही खुद सीएम ने धांधलीबाजों को पकड़ा है। इसके अलावा विज ने कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली झज्जर की मनु भाकर के प्रदर्शन की जमकर तारीफें भी की है। विज ने कहा कि पूरे देश को मनु पर नाज और उम्मीद है कि वो ऐसा ही प्रदर्शन बरकरार रखते हुए ओलंपिक में देश के लिए पदक लाएंगी। प्रदेश सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया है जो हाईकोर्ट में चल रहे सरकारी केसों और सरकारी विभाग के केसों के दौरान मौजूद रहेगा। अधिकारी हाईकोर्ट के सामने रिस्पॉन्सिबल तरीके से बातों को रखेगा और केस की सुनवाई से एक दिन पहले संबंधित विभाग को इसके बारे में ब्रीफ करेगा। इस बारे में प्रदेश सरकार की ओर से एक आदेश पत्र जारी किया गया है, जो सभी विभागों के हेड और सभी डिवीजन के कमिश्नर को भेज दिया गया है। सरकार के आदेश की एक कॉपी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मजिस्ट्रेट को भी भेजी गई है। इसके अलावा प्रदेश के सभी आयुक्तों, उपायुक्तों, प्रदेश के सभी बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासकों को भी इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को भी इसके बारे में सूचना दे दी गई है। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने एक बार फिर एसवाईएल को लेकर हुंकार भरी है। अभय चौटाला ने कहा है कि एसवाईएल का पानी 1 मई तक प्रदेश के लोगों को मिले। अगर 1 मई तक प्रदेशवासियों
को पानी नहीं मिला तो वो भिवानी से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इस जेल भरो आंदोलन की शुरुआत पूरे प्रदेश के जिला केंद्रों में की जाएगी। रोहतक के उदार गगन भूमि रिलीज मामले की जांच सीबीआई ने ना करवाकर प्रदेश सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार ने जांच सीबीआई से करवाने के फैसले को पलटते हुए जांच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आरएस मदान से करवाने का निर्णय लिया है। जस्टिस मदान 2 महीने में अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट सरकार को देंगे। मामले में नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने सरकार पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। अभय ने कहा कि सीएम ने इस मुद्दे पर विधानसभा और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का काम किया है, जिसके चलते मुख्यमंत्री के खिलाफ विधानसभा में प्रिविलेज मोशन पारित होना चाहिए और इसकी मांग वो स्पीकर को पत्र लिखकर कर चुके हैं। राजीव जैन को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का मीडिया सलाहकार बनाया गया है, जिसके बाद आज उन्होंने चंडीगढ़ में अपना कार्यभार संभाला। इस मौके पर राजीव जैन ने इस नई जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री और पार्टी के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया एडवाइजर सरकार और मीडिया के बीच एक कड़ी का काम करता है और वो कोशिश करेंगे कि वो इस जिम्मेदारी को ईमानदारी और निष्ठा से निभाएं। वही इनेलो के जेल भरो आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इनेलो के लिए एसवाईएल सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। विपक्ष में रहते हुए भी सभी को एसवाईएल याद आती है और सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे को अलमारियों में बंद कर दिया जाता है। सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबको शिक्षा सबको अधिकार जैसे अनेक अभियान चलाए गए हैं, लेकिन इस अभियानों की सच्चाई धरातल पर कितनी है इस बात का अंदाजा गुलाचीका से लगाया जा सकता है, जहां पर निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। इतना ही नहीं, निजी स्कूल के आदेशों को ठेंगा दिखा कर रही है और सबके हैरान करने वाली बात यह है कि सारा मामला सरकारी अधिकारियों के संज्ञान में है, लेकिन अधिकारी बाबू इस पर कुछ भी कहने और सुनने को तैयार नहीं है। सरकार द्वारा निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए अधिकारियों को कई बार दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में गुलाचीका में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहल दिखाई, जिसमें भाजपा युवा नेता रोहित शर्मा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल गुलास तहसीलदार से मिला और निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायत पत्र दिया। साथ ही सभी निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी करने के लिए कहा है। रोहित शर्मा ने बताया है कि सरकार के दिशा निर्देश कोई भी प्राइवेट स्कूल संचालक एक बार ही दाखिला फीस ले सकता है और उसके बाद ना तो वो कैपिटल फीस ले सकता है और ना ही री एडमिशन फीस ले सकता है। साथ ही स्कूलों द्वारा बच्चों के दाखिले के लिए कोई भी एंट्रेंस टेस्ट की फीस नहीं ले जा सकती। प्रदेश में पुनाना में चल रही सरकारी गेहूं की खरीद को लेकर हरियाणा वेयरहाउस में अशोक शर्मा और एफसीआई के डीएम आशीष मिश्रा ने अनाज मंडी का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को साथ लेकर मंडी में पड़ी अनाज की ढेरियों को चेक करने के लिए व्यापारियों के साथ बैठक की, साथ ही साफ सफाई और सही नापतोल करने के आदेश भी दिए हैं। प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव महावीर सिंह ने कहा है कि खरीद एजेंसियों किसानों से फसल की खरीद के बाद 72 घंटे के अंदर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी एजेंसियां उठान के कार्य को सही समय पर करवाएं। किसानों की सहायता के लिए सहायता बूथ स्थापित किए जाएं। मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए बिजली और पानी जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं सही रहनी चाहिए। मौसम ने अचानक आज सुबह फिर से करवट ले ली है। अंबाला में सुबह से रुक रुक के तेज बारिश शुरू हो गई है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी हुई है। इस बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई, वहीं खेतों में खड़ी फसल और अनाज मंडी में आई गेहूं को नुकसान भी हो रहा है। वहीं रादौर में मंगलवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत और अनुमानों पर पानी फेर दिया है। करीब 1 घंटे तक हुई बारिश और ओलावृष्टि से खेत में तैयार फसल और कटी हुई फसल का काफी नुकसान पहुंचा है। पहले से ही कर्ज का बोझ उठा रहे किसानों को अब ये डर सताने लगा है कि बारिश में भीगे हुए अनाज को वो कैसे मंडियों तक लेकर जाएंगे और बेच पाएंगे।
बल्लभगढ़ में बारिश होने की वजह से अनाज मंडी में रखे गेहूं भीग गए हैं, जिसके चलते किसानों में नाराजगी जताई जा रही है। रोहतक की सुनारिया जेल एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। जेल में तीन दिन पहले आधा दर्जन कैदियों की जबरदस्त पिटाई की गई थी, जिसके चलते वो चलने फिरने में असमर्थ हैं। जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मारपीट के बावजूद किसी भी कैदी का मेडिकल नहीं करवाया। जेल में बंद एक कैदी के पिता ने एसपी को इस बारे में शिकायत की है। वो सोमवार को अपने बेटे से जेल में मुलाकात करने के लिए गए थे। वहीं जेल से जमानत पर दो दिन पहले बाहर आए एक कैदी ने भी घटना की पुष्टि की है। और अब रुख खबर एक्सप्रेस का। गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल मामले में मंगलवार को सेशन जज की अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन तकरीबन 7 घंटे तक चली बहस के बाद यह तय नहीं हो पाया कि नाबालिग हत्यारोपी भोलू पर जुवेनाइल की तरह केस चलाया जाए या एडल्ट की तरह। फिलहाल मामले की सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी। मामले में सुनवाई के दौरान रियान स्कूल के प्रबंधन से जुड़े फ्रॉसिस थॉमस और जॉयस थॉमस को भी जिला अदालत में तलब किया गया था। कोर्ट ने इन लोगों पर अब अगली तारीख 14 मई को आरोपी भोलू के साथ एक बार फिर से पेश होने के लिए कहा है। अभी आर्मी में गर्मी ने रौद्र रूप भी नहीं दिखाया और जल स्तर घटने की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। ऐसा ही सोनीपत को छूकर निकलने वाली यमुना नदी गर्मी की वजह से सूखने लगी है। नदी में रेत ऊपर आ गया है, जिससे किसान अपनी खेती कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने से नदियां सूखने लगेंगी। वहीं तेजी से घटते जलस्तर का कारण अधिकतर हैंडपंप और कुएं में देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर 1500 फुट पर भी पानी नहीं मिल रहा है। आरक्षण के विरोध में मंगलवार को बुलाए गए भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। ये दावे किए गए हैं कि बंद को लेकर प्रदेश की पुलिस हाईकोर्ट हाई अलर्ट पर है, लेकिन फरीदाबाद में पुलिसकर्मी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो पुलिस के इस दावे को खोखला साबित करने के लिए काफी है। दरअसल यहां भारत बंद की ड्यूटी के दौरान एसएसआई पीसीआर में सोता नजर आया। इतना ही नहीं, ड्यूटी में तैनात अन्य जवान भी सुरक्षा नाके को छोड़ पेड़ की छांव में आराम फरमाते नजर आए। जब उन्हें मीडिया का कैमरा नजर आया तो वो नाके की तरफ दौड़े, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पीसीआर में चैन की नींद ले रहे साहब को जगाए। प्रदेश में होमगार्ड जवान एक बार फिर लामबंद हुए हैं। प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 12 होमगार्ड जवानों ने आमरण अनशन का ऐलान किया है। बता दें कि होमगार्ड जवान पंचकूला चंडीगढ़ बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। यही नहीं, होमगार्ड जवानों को रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात की गई है। इससे पहले होमगार्ड जवानों ने मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पंचकूला चंडीगढ़ बॉर्डर पर ही रोक लिया था। दरअसल होमगार्ड जवान हटाए गए जवानों की दोबारा भर्ती और 365 दिन काम की मांग को लेकर धरना कर रहे हैं। अंबाला के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रॉनिक फाइनल ईयर की छात्रा ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो काबिले तारीफ है। महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध को देखते हुए कोमल नाम की छात्रा ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो महिलाओं से छेड़खानी करने वाले बदमाशों को पलक झपकते ही सलाखों के पीछे भेज देगा। महम के सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े 2.5 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चैबीसी के गांव निंदाना के पूर्व सरपंच बलराज सिंह ने 2.5 लाख रुपए घर से लेकर आए थे, जो बैग में रखे थे। उसने 2.5 लाख रुपए घर से लिए थे और 1.5 लाख रुपए अपनी पत्नी के खाते से 1 लाख बैंक से निकलवाए थे, जो उसने जेब में डाल दिए। बैग में रखे पैसों को चोर लेकर फरार हो गया। स्मार्ट सिटी गुरुग्राम देश भर में अपनी पहचान बना चुका है। दूर दूर से यहाँ लोग नौकरी की आस में आते हैं, लेकिन गुरुग्राम वासियों को साफ सुथरी जगह ही नहीं हो रही है। दरअसल गुरुग्राम में साफ सफाई के लिए सिर्फ 4000 सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें दोनों कच्चे और पक्के कर्मचारी शामिल है। गुरुग्राम की कुल आबादी लगभग 30 लाख है और उनके ऊपर सिर्फ 4000 सफाई कर्मचारी हैं। अब सफाई कैसे और कितनी हो रही होगी, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। गुरुग्राम के
नाहरपुर गांव में सरकारी स्कूल के पास तालाब में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोना कस्बे में दो समुदायों के बीच शमशान भूमि को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में एसडीएम ने विवादित भूमि पर धारा 144 लगा दी है, जो कि 2 महीने तक लागू रहेगी। एसडीएम ने दोनों समुदायों के बढ़ते विवाद को देखते हुए धारा 144 लागू की है, ताकि किसी भी समुदाय के लोगों के बीच किसी प्रकार का टकराव न बने। पानीपत के बिहोला गांव में एक 18 साल की युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवती अपनी मां और भाई के साथ खेत में काम करने गई थी। इस दौरान 5 युवकों ने युवती का अपहरण कर लिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही डीएसपी समालखा, एसएचओ बापोली, सीआईए पुलिस मौके पर पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे 21वें कॉमनवेल्थ खेलों में प्रतिस्पर्धाओं के 8वें दिन भारत ने दिन का पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। शूटर श्रेयसी सिंह ने महिलाओं की डबल ट्रैप स्पर्धा में ये स्वर्ण पदक जीता। मंगलवार को मिली सफलता को बॉक्सरों ने बुधवार को भी जारी रखा है। महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ने उम्मीदवारों और उम्मीदों पर खरा उतरते हुए 45 और 48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश करते हुए स्वर्ण की जंग तय कर दी। पुरुष वर्ग में गौरव सोलंकी ने 52 किलोग्राम और विकास ने 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर कांस्य पदक मिलना तय कर दिया है। कुल मिलाकर अभी तक भारत के पदकों की संख्या 23 हो गई है, जिसमें 12 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। ग्लोबल बाजारों से मिले मजबूत संकेतों से आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 90.10 अंक यानी 0.27% बढ़कर 33,970.35 पर और निफ्टी 25.90 अंक यानी 0.25% बढ़कर 10,428.15 पर खुला। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए।